रोजा बास्ते हैं। शिकोहाबाद ने पिछले बीते दिनों में उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ व परमानेंट एवं संविदा कर्मी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं शहर का सफाई कार्य भी ठप होने के कारण जगह जगह पर गंदगी के अंबार के कारण लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हुए। वहीं अधिशासी अधिकारी एवं ठेका सफाई कर्मचारियों के बीच आपसी समझौते में उनकी कुछ मांगों को मानते हुए वापस अपने काम पर लौट आए, जिससे शहर में अब लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा। अधिकारी महोदय चलो। और देखिए कुछ गलतफहमियां हो गई थी आपस में, इस वजह से आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। हम आप ही के समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपका दुख दर्द को हम अच्छी तरह समझते हैं। तो अगर आपके साथ कोई शोषण हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ बातचीत हुई और जिन बिंदुओं पर हड़ताल की थी, हमारे अधिशासी अधिकारी ने बड़ी सूझबूझ के साथ सारी बिंदुओं पर अपनी सहमत जाहिर की। सारी चीजों को मान लिया गया है। जो अहम मुद्दा था, जो हमारे ठेके कर्मचारी निकाल दिए गए थे, पहला मुद्दा था उनको सबको वापस ले लिया जाए, ले लिया गया। और 366 का जो गवर्नमेंट वो है वेज वो दिया जाए, वो दिया जाएगा। और बाकी की समस्या बहुत है। और आप लोग सब सफाई के लिए कब उतरेंगे आप लोग? अभी तुरंत सब सफाई ये यशुदा जी, सफाई कर्मचारी ही चाहे 10 दिन हो जाए, सफाई ये करेगा और कोई नहीं करेगा। ये बड़ा वफादार है, लेकिन इसके साथ वफादारी नहीं होती है। मैं तो दाद दूंगा आप जैसे लोगों को, पत्रकारिता के जरिए, ये समाचार के जरिए संदेश जाता है, हम लोगों की बात पहुंचाया जाता है जनजन तक, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है और बहुत धन्यवाद। गर्मी स्ट्राइक पर थे सर, क्या किस तरीके का समझौता हुआ? इनके प्रतिनिधि आए थे और बुलाया गया और इस संबंध में वार्ता की गई, काफी बिंदुओं पर एक दूसरे से समझौता हुआ लिखित, और उसके उपरांत इनको अपना संतुष्ट हुए और काम पे जा रहे। उनकी मांगे मान ली गई क्या? जो मांगे काफी जो जेन्युइन थी वो मानी गई है, आपस में जो समझौता होके ही समझौता होता है बातचीत करके। टोटल नहीं कहा है कि टोटल मान ली गई, कि हमारे भी लोगों ने मानी, उनकी हमने मानी। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।